गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब 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 भैया। हमने कहा जरूरी थोड़ी कि हमेशा गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम, जरा टोन भी थोड़ी सी बदले ना। रीमिक्स गानों का आजकल ट्रेंड चल रहा है। रिबेका और मैं आपके लिए लाए हैं राइजिंग पाकिस्तान। किसके लिए? आपके लिए, जो कि राइजिंग पाकिस्तान है, चाहे सुबह में देख रहे हैं चाहे शाम में। वेलकम वेलकम वेलकम। बिल्कुल, और जिस तरह तौसीक ने कहा ना कि ये जरूरी थोड़ी है कि जो एक तरीके से चीज चल रही है उसी को फॉलो किया जाए, कुछ चेंज जो है वो बहुत जरूरी होता है। जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि जब हमारे सेगमेंट में किड्स ने आना होता है और हमारी टीम जब उनसे डिस्कस करती है कि आप जो है वो क्या सेगमेंट लेकर आएंगे और आप कौन सा टॉपिक है जिस पर बात करना चाहेंगे, तो बच्चे जिस तरह स्मार्टली जवाब देते हैं हमारी टीम को, हमारी टीम कहती है कि बच्चों को क्या हो गया, हम कहते हैं क्या हो गया, वो कहते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स वो ढूंढते हैं। ये मदद कौन करता है उनके टॉपिक ढूंढने में? वो खुद, क्योंकि इतने क्रिएटिव हो चुके हैं बच्चे। और आई थिंक जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, तो फिर इसका क्रेडिट जो है वो बहुत हद तक बहुत सी ऐप्स को या मोबाइल फ़ोन को बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, लेकिन उसके बड़े अच्छे यूजेस भी है। सही है ना तौसीक? एब्सोल्युटली। और ऐसा ही कुछ इस्तेमाल आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो राइजिंग पाकिस्तान में मेन फीचर हम करने जा रहे हैं। कैश आ रहे हैं, कैश आ नहीं रहा, कैश आ रहे हैं, यानी कि काशिफ और दानिया। और ये दोनों कौन हैं जनाब? ये इन्फो की दुनिया, यानी इन्फॉर्मेशन की दुनिया में गुरुज हैं, आपको बताने के लिए कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, यानी कि डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल ई कंटेंट और कॉमर्स से, जो कि आजकल रिबेका बच्चों की क्रिएटिविटी की बात कर रही थी, तो बच्चे भी ऐसे में बहुत से पैसे कमा रहे हैं। लेकिन कैश और दानिया आज हम फीचर करने जा रहे हैं, तैयार हो जाए सब टिप्स लेने के लिए कि डिजिटल दुनिया में आप पैसे भी कैसे कमा सकते हैं और आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हैं। अबाकडाब्रा मैजिक के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल, आज कुछ मैजिक सा होने वाला है, जो कि बड़ा अच्छा लगता है जब मैजिकल कुछ भी होता है। लेकिन इसी के साथ जो मैंने एक रेफरेंस दिया था ना, आज हमारे मेन गेस्ट सेगमेंट में तो कुछ मैजिक होगा। मुस्फिरा अपने सेगमेंट को बहुत ही कलरफुल करने आ रही है। वो कह रही है मैं आपको बताऊंगी स्मार्ट प्रिंसिपल्स, जब आप सोशल मीडिया के थ्रू या डिजिटल ऐप्स का जब आप इस्तेमाल करते हो, तो उसमें स्मार्टली आपने किस तरह से चीज़ों को देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ों को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। एब्सोल्युटली। और वही बात कि आज एक दफ़ा फिर बच्चों से, जो बड़े बड़ी सोच रखते हैं, बड़े बड़े ख्याल रखते हैं, उनसे सीखने को मिलेगा। और मुस्फिरा तो हमेशा बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करके आती हैं। सो मुस्फिरा का सेगमेंट मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे आज नंबर वन पे आने वाली शॉर्ट फिल्म, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी ने सिलसिला आपके लिए रखा था पिछले साल दिसंबर में। उसमें जो टॉप 24 फिल्म्स थी वो हमने आपको दिखाई। अब हम पहुंच गए हैं नंबर वन पे आने वाली फिल्म, जिसका नाम है राणा। ये पश्तो जबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है रोशनी। ऐसा क्या था इस शॉर्ट फिल्म में? 5 मिनट की फिल्म बनी और नंबर वन पे आ गई। आज इस फिल्म को हम फीचर करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। इसी के साथ जो है बड़ा एक जबरदस्त सी चीज होने वाली है। वो जबरदस्त चीज क्या है मैं आपको बता देती हूँ। वो जबरदस्त चीज है कुछ म्यूजिशियंस और म्यूजिक का तड़का होगा, जो कि बहुत जरूरी होता है जब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिसमें हम कहते हैं अल्लाह ये सरदर्दी है। वो सरदर्दी क्यों हो जाती है? क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा ये सोशल मीडिया की चीजें ना बड़ा जो है वो आपको थका देती है, परेशान कर देती है। सो आज हमारा साथ देंगे तलहा अहमद एंड उस्मान एजाज, और वो क्योंकि वो साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं, लेकिन उसके साथ वो म्यूजिक को कैसे बैलेंस करते हैं वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। सो वो हमने आपको दिखाना है। इसी के साथ आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर आपके पैगामात, जिसमें आपके मैसेजेस हैं, कभी पिक्चर्स होती हैं तो कभी वीडियोज, ये तमाम तर चीज़ें आज राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगी, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है। एब्सोल्युटली। आज राइजिंग पाकिस्तान का उन दिनों में से एक दिन है कि जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कभी हम वो क्या है, भिंडी से निहारी तक। yes. आज भिंडी से निहारी वाला दिन है। तो रहिए हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान में। मैं और रिबेका रहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आज कमर्शियल्स भी काफी ज्यादा है, ब्रेक्स भी ज्यादा है, इसलिए हमने तेज तेज चलना है राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को लेके। तो चलते हैं जनाब एमसीआर की जानिब। एमसीआर आप लें ब्रेक, और इसके बाद आपको हम मिलवाएंगे मुस्फरा से ऑन द सेट्स। डिजिटल दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में आपको अगर अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जो कि हर एक को आते रहते हैं, तो भाई आप बिल्कुल ना परेशान हो। राइजिंग पाकिस्तान में आ गई हैं हमारी स्पेशलिस्ट मुस्फिरा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह एनर्जेटिक और फ्रेश, है ना जी। मुस्फिरा आ गई है हमें एनर्जी जो है वो ट्रांसमिशन उसकी चलाने के लिए। क्या सीन है आज? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन बाय यूजिंग द स्मार्ट प्रिंसिपल।
यानी कुछ स्मार्ट प्रिंसिपल्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो मुस्फरा हमें देंगी। एक स्मार्ट प्रिंसिपल है जो मैं आपको बताऊं। अच्छा, प्रिंसिपल है, एक है ये? यस। जैसे स्कूल की प्रिंसिपल होती जी, वो एक ही होती है, उन जैसा दूसरा कोई नहीं होता। तो आपको पता है इंटरनेट एक ब्लेसिंग भी है, कर्स भी है। हम इससे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे फायदे भी उठाते हैं, पर काफी सीन्स होते हैं जिसमें हमें नुकसान भी पहुंचाता है ये। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब ना मैं आपको कुछ एक प्रिंसिपल बताऊंगी जिससे आप सेफ रह सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है जी, तो स्मार्ट का जो पहला लेटर है वो है एस, और एस से है स्टे सेफ। ओके, ठीक है। यानी आप कोई भी ना, जैसे कि आप एग्जांपल देती हूँ, आपने आप कोई अननोन आपने वेबसाइट डाउनलोड की है, अब आपको ना इसके बारे में पता है, वो आपसे उसकी आपकी इंफॉर्मेशन मांगता है। मांगते हैं ना डेट ऑफ बर्थ। एग्जैक्टली। तो अननोन वेबसाइट का ना ही आपको पता है और आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, डेंजरस हो सकता है ना। एग्जैक्टली, वो आपसे आपकी लोकेशन पूछ ले, अच्छा व्हिच सिटी आर यू फ्रॉम, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन अननोन वेबसाइट्स पे नहीं देनी चाहिए। ये पहला स्मार्ट का एस का मतलब है स्टे सेफ। कुछ से लोग ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स भी करते हैं और आपके फ्रेंड्स ऑनलाइन फ्रेंड्स आपसे मांग लेते हैं आप कहाँ रहते हो, आपके पापा के ऑफिस का एड्रेस कहाँ है। तो कुछ से वाकई लोग अच्छे होते हैं, पर कुछ से लोग एक्ट करते हैं अच्छे होने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स बनाए, पर हमेशा किसी को बता के करें, ठीक है। और अगर वो कभी भी आपसे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मांगे तो आप उसको कभी कुछ ना बताएं। बिल्कुल ठीक। तो आपको तो नहीं पता ना कि वो अच्छा है या नहीं अच्छा, कोई बुरा है या नहीं। अच्छा मुस्फरा, ये बताइए, वैसे तो आप ये टिप्स दे रही हैं टीनएजर्स के लिए, यंग लड़के लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन क्या आप समझती हैं कि बच्चों को तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे अकेले जाके नए लोगों से दोस्तियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, है ना? जैसे बच्चे कुछ होते हैं गेम्स के पीछे कुछ डेंजरस गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं। Exactly. बहुत सारी गेम्स होती हैं, अच्छी नहीं होती, बंदे के दिमाग पे बुरा असर डालती हैं। तो जब भी आप कोई भी गेम डाउनलोड करें, सबसे पहले बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछ लिया करें, पापा मम्मा गेम ठीक है। ये जबरदस्त टिप दी है ना मुस्फरा ने, बिल्कुल ठीक दी। अच्छा जी, आगे क्या? अब जो अगला लेटर है वो है एम, और एम से है डोंट मीट अप। ठीक है। जब आप ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स बनाते हैं तो कभी ऐसा सीन हो जाता है कि वो आपसे कहते हैं आके हमारे साथ आप मिलें। तो कुछ से बच्चे बताते भी नहीं है और वो घर से बाहर निकल जाते हैं अपने फ्रेंड से मिलने। अब देखिए, आपको तो नहीं पता ना वो फ्रेंड कैसा है, और आपको पता है कुछ ऐसे केसेस होते हैं बच्चे मिलने चले जाते हैं, टीनएजर्स मिलने चले जाते हैं, टीन्स मिलने चले जाते हैं, उनको किडनैप कर लिया जाता है। अच्छा, ऐसे वाकयात हुए? होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही ऑनलाइन दोस्तियां करके आओ जी मिलते हैं, तो मिलने चले नहीं जाना किसी ने। और ये जो कुछ से बच्चे हैं ना, ये बड़ा मजे का मुझे लग रहा है कि कुछ से बच्चे ऐसे होते हैं। तो आप, अगर आपको बहुत ही शौक है अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ मिलने का, तो हमेशा कोई एल्डर साथ लेके जाएं जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। तो इससे जब उसको पता होगा आपके साथ तो कोई आया हुआ, वो आपको किडनैप नहीं कर पाएगा। अच्छा, और वैसे भी मेरा ख्याल है आपका जो पहले वाला मशवरा ना, मेरे दिल को लग रहा है कि मतलब आपके साथ तो आपकी फैमिली है और स्कूल के फ्रेंड्स हैं, अगर आप बाहर खेलने जाते हैं और दोस्त हैं, तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा दोस्तियां बनाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों अपने आप को भाई डेंजर में डालें आप, है ना? पर कुछ से लोग बस होते हैं, बस उनको होता है कि ऑनलाइन बाहर निकलते नहीं, बस हर वक्त फोन पे, तो फोन पे ऑनलाइन। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। यह मशवरा भी बड़ा अच्छा था। अब जो इसका तीसरा लेटर है वो है ए, और ए से है एक्सेप्टिंग फाइल। ओके। तो कभी भी आपको किसी भी अननोन ईमेल से कोई भी फाइल, कोई भी अननोन ईमेल से कोई भी पिक्चर आए, वॉयलेंस, जिसमें कुछ से लोग आपको कुछ वीडियोस भेजते हैं जैसे वॉयलेंस होते हैं उसमें, नेगेटिव बॉडी इमेज होती है। ओके। तो आपको सबसे पहले अपने ना मम्मा पापा को बताना चाहिए, कि कुछ से लोग सोशली ब्लैकमेल भी करते हैं, इंटरनेट पर आपको ब्लैकमेल भी करते हैं, आप अपने पेरेंट्स को बताएं। और अगर आपके पेरेंट्स इस मसले को नहीं सॉल्व करें, तो पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है ना, वो है 9911। ओके ओके। तो उस पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं ना, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले, आपको ब्लैकमेल कर अपने पेरेंट्स को बताएं। अगर आपसे पेरेंट्स से मसला नहीं सॉल्व हो रहा, तो फिर आप लोग 9911 पे रिपोर्ट करें कि हमारे साथ ये मसला है, और वो लोग बिल्कुल सॉल्व कर देंगे आपके मसले को। लेकिन जो आपने जबरदस्त बात की है ना मुस्फरा, जो मेरे दिल को लगी है, वो है कि अपने पेरेंट्स से कुछ ना छुपाएं। एग्जैक्टली, कुछ ना छुपाएं, उनसे डरे नहीं। अगर कोई गड़बड़ हो गई है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, इवन मैं तो कहता हूँ साइबर वर्ल्ड के अलावा वैसे भी जिंदगी के अंदर आपको कोई परेशानी है, कोई उलझन है, सबसे अच्छा बच्चों आपका दोस्त पता कौन होता है? आपके अम्मी और अब्बू, या
आपका कोई बहन, आपका कोई बड़ा भाई, उनसे फौरन, यानी आपकी जो क्लोज फैमिली है, अब क्लोज फैमिली में कोई बच्चा ऐसा भी होगा भाई अब्बू साथ नहीं रहते, या अम्मी नहीं है, अब्बू नहीं है, दादा अब्बू है, नानी अम्मा है, कोई भी आपका क्लोज फैमिली यूनिट जिसे हम कहते हैं, उनसे फौरी तौर पे बच्चों आपने अपना प्रॉब्लम शेयर करना है। ये नहीं सोचना कि वो दादा अब्बू क्या कहेंगे या अम्मी तो डांटेंगी, फिर उससे वो प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है। तो फौरी तौर पे जैसे मुस्फरा ने हमें बताया है, फौरी तौर पे अगर कोई उलझन हो, कोई परेशानी हो, आपने अपने पेरेंट्स को बताना है। और कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपको मतलब नाजायज़ आपकी मर्जी के खिलाफ कोई मैसेजेस कर रहा है, फौरन अपने अम्मी अब्बू को आपने बताना है। ऐसा ही है ना जनाब जी? अच्छा, अब जो आगे क्या है? अब जो इसका अगला लेटर है वो है आर। आर बिल्कुल ठीक है। और आर से है रिलायबल। रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्ट। ठीक है। आप हमेशा वो वेबसाइट्स डाउनलोड करें जिन पे आप रिलाय कर सकें। ठीक है। जिसमें आपको पहले भी आपको बताया है कि आप जब भी कोई भी वेबसाइट डाउनलोड करें अपने पेरेंट्स को जरूर बताया करें, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको बता देते ना बेटा ये अच्छी वेबसाइट है, ये अच्छी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि जो वेबसाइट आई किसी फ्रेंड ने भेजी, क्लिक किया जनाब उसका डाउनलोड का बटन, इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, फिर उससे चीजें डाउनलोड करते हैं। तो आप हमेशा उस वेबसाइट से चीज़ें डाउनलोड करें जिन पे आप रिलाय कर सकें, उन वेबसाइट से डाउनलोड ना करें जिससे आप रिलाय कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है जी, डन हो गया। आइंदा मैंने तो बिल्कुल ध्यान से हर तरह की वेबसाइट, कोई आ रहा है जनाब, किसी ने फॉरवर्ड किया क्लिक का बटन, डाउनलोड का बटन, नो ऐसा नहीं करना। कुछ वेबसाइट स्कैम भी तो होती है ना? स्कैम्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। स्कैम्स का मतलब है कोई धोखा आपके साथ हो सकता है, कोई फाइनेंशियल धोखा हो सकता है। कुछ लोग होते हैं आपको इस तरह कहते हैं कि आपने कोई नंबर चूज करना है, पता नहीं क्या होता है कि आपको कोई फोन मिल जाएगा। exactly. या ऐसे आपको कोई बहुत अच्छा इनाम निकल जाएगा, इनाम के चक्कर में ना वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपका डाटा ले लेते हैं। देखो यार मुस्फरा, तुमने मुझे बता दिया, मैं मासूम सा बंदा, देखो कोई गड़बड़ हो जाती है। थैंक यू, आपने मुझे गाइड कर दिया आज। अच्छा, इसका लास्ट लेटर है वो है टी। टी, और टी से है टेल समवन। ओके। आप किसी को बताएं, इसमें आपको पहले बताया, आप कोई भी वेबसाइट डाउनलोड करें, कोई भी फ्रेंडशिप करें ऑनलाइन, तो आप हर बंदे अपने पेरेंट्स को बताएं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, अपने कोई ऐसे फ्रेंड को बताएं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, अपने बड़े भाई को, बड़ी बहन को बताएं, कि अपने दादा दादी, जिस जो भी आपके घर में जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप उससे बताएं, क्योंकि कुछ से बच्चे ना बताते ही नहीं हैं, और फिर जब उनको मसले बनते हैं तो वो होते हैं कि अब हमें अपने मम्मा पापा को बताना है, वो ये उनके दिमाग में डर होता है कि अगर हम बताएंगे मम्मा पापा हमें बहुत डांटेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमसे exactly. फ़ोन ले लेंगे। अच्छा, फ़ोन ले लेंगे, ये भी बड़ा डर होता है ना, क्योंकि आजकल तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है बच्चों, फ़ोन से बहुत प्यार होता है। बिल्कुल ठीक कह रही है, बच्चों को अपने फोन से बहुत प्यार होता है। लेकिन यहाँ पे मुस्फरा, मैं आपका मशवरा लेना चाहूँगा, बिकॉज आप इतनी मतलब समझदार हैं, कि आपके ख्याल में किस एज तक बच्चों के पास पर्सनल फोन नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से ना, मेरे जो ख्याल है, आपको 18 इयर्स के बाद ही लेना चाहिए। 18 इयर्स के बाद? यानी अभी मुझे, मेरी मम्मा भी यही कहती है, मुझे अभी 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। क्यों आप 18 नहीं? नहीं। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया है, अब मैंने आपको एक स्मार्ट प्रिंसिपल बताया जिसमें है स्टे सेफ, डोंट मीट अप, एक्सेप्टिंग फाइल्स, रिलायबल, टेल समवन। तो ये जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको आज पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना तो आप ऑनलाइन सेफ रह सकते हैं। भाई बहुत ज़बरदस्त आपने हमें स्मार्ट प्रिंसिपल बताया मुस्फरा, थैंक यू वेरी मच। और मुस्फरा ने जो कहा कि 18 साल की उम्र तक बच्चों के पास अपना पर्सनल स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इनमें से पहले, मेरे बताने से पहले कोई एक इनमें से करते थे यानी यूज? मेरा ख्याल है कि मुस्फरा, मैं जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो आपके इन प्रिंसिपल्स में से करता हूँ और करता था आपके बतलाने से पहले भी, वो था कि मैं बहुत गैर ज़रूरी ऐप्स को डाउनलोड करना, वेबसाइट्स को विज़िट करना, डाउनलोड करना बिला ज़रूरत, ये मैं नेचुरली मैं नहीं करता। मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन में ऐप्स भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स भी मैं विज़िट नहीं करता। मैं बिल्कुल क्वालिटी, जो मेरी पसंद का सब्जेक्ट हो उसको मैं विज़िट करता हूँ, उसके बारे में पढ़ता हूँ या रिसर्च करता हूँ। चलिए आप बताएंगे, आज जो मैंने बताया उसमें आपको क्या समझ आई? मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात लगी है ना, वो ये कि हमने अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से कुछ भी छुपाना नहीं है। टेल समवन, शेयर,
अगर कोई गड़बड़ हो रही है, कोई मसला हो रहा है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, तो आपने किसी के साथ शेयर करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। आप छोटे होते थे, आप अपने माँ बाप से छुपाते थे या बात करते थे? नहीं, मैं तो बहुत दोस्ती थी मेरी अम्मी अबू के साथ, हम खेलते भी इकट्ठे थे, हम गप्पे लगाते थे, हम ट्रैवल भी इकट्ठे करते थे, तो ये बहुत जरूरी है कि मामा पापा वैसे के साथ देखा रहे, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। एब्सोल्युटली पुष्पा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपका सेगमेंट था, ऑल द बेस्ट, जीती रहे। आपके साथ भी तो मजा आता है ना? मजा आता है, ओह वेरी गुड, ये फिर ऐसे हम कोरोना वाला हाई फाइव कर लेते हैं, ये नहीं भी लॉन्ग शॉट नहीं, वो सुधीर अंकल कह रहे हैं लॉन्ग शॉट में, ये ऐसे वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया खेलेंगे, आगाज तो कर ही दिया मुस्फिरा ने, बड़े अच्छे टिप्स दिए थे उसने आज, वैसे है ना बहुत जबरदस्त। स्मार्ट को किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी एब्रिविएशन क्या है, आज वो मुस्फिरा ने बताया। सो बढ़ते हैं आपके बहुत जबरदस्त मैसेजेस के जाने, जिसमें सबसे पहले आपने कुछ तस्वीर जो हमारे साथ शेयर की है वो हम आपको दिखाते हैं। उम्मे हुज़ैफा लाहौर से आपने कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, वो कौन सी? ये तो मेरे फ्रेंड्स आ गए भाई, इनका नाम तो आपने हमें बताया ही नहीं, जबरदस्त जी, इनका नाम है मानो, क्या भाई स्वैग है ना, मतलब मानो बेगम का बड़ा सीन, ये देखिए तो पूरी मॉडलिंग फोटो शूट हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही अच्छी पिक्चर्स बनाते हैं, मानो भी अपने स्टाइल में जब आ जाए ना तो सबको पीछे। भाई मैं मुज़फ़्फ़र, बहुत जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। डॉक्टर वसीम असगर, आपने गुजरांवाला से तस्वीरें भेजी हैं, और वो क्या तस्वीरें हैं अभी हम आपको बताएंगे जनाब। ये कुछ ये क्या है, दरख्तों ये के दरख्त साथ? है रिबेका, हाँ। इसको हम लोग दरख्त कहते हैं। नहीं, मैंने कहा दरख्त पे क्या लगा हुआ है। अच्छा। ओ ये आलू बुखारे का दरख्त था जी, और ये क्या है जी, ये तो हाथ के ऊपर मतलब कुछ बूर है जैसे आम के दरख्त का होता है, रेत है, नहीं नहीं बजरी भी नहीं है, तो कोई खाने की चीज लग रही है। ओ ये मेरा एक और फ्रेंड आ गया भाई। अच्छा इनको भी देखो ना, फोटो शूट का पूरा तजुर्बा है साल हा साल का, इनको पता है कैमरे के लेंस में देखना होता है, और ये वो है जो फ्रंटल पिक्चर नहीं आती जो बिल्कुल सामने देख के, कोई साइड पोज नहीं है, उसको अलाउ ही नहीं था साइड पोज। वेरी नाइस, इनका नाम भी आपने नहीं हमें बताया जी, इनका नाम डॉक्टर वसीम है। नहीं नहीं उनका नाम नहीं, इनका नाम पूछ रहा हूँ, जिनकी तस्वीर थी ये डॉक्टर वसीम नहीं थे, डॉक्टर वसीम ने इनकी तस्वीर भेजी थी, वो जिनकी तस्वीर भेजी उनका नाम ही नहीं उन्होंने बताया, वसीम उसका बता रहा था ना जी। अमारा नवीद, आपने क्वेटा से आर्टवर्क की तस्वीरें भेजी हैं, और आप क्या आर्टवर्क करती हैं, वाह, अरे वाह। अच्छा ये मैं बचपन में किया करता था स्कूल के अंदर, इंक के अंदर धागा डाल के कागज पे रख के आप ऐसे करके खींचे तो ये डिजाइन बन जाता है, ये मुझे आता है भाई। तौसीक, आई एम सो इंप्रेस्ड, हमारा एक तेरा मैजिक जो है हमने पकड़ लिया है। ओह मारा, दिस इज ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। क्लास सिक्स में पढ़ती है मारा, और ये तो बहुत ही प्यारा है आपके डिजाइन, वाओ ये तो बहुत अच्छा, और ये तो कितनी और बिल्ली की दोस्ती हो गई है भाई, जबरदस्त, वेरी नाइस। वो जो आपने डिस्क्लोज कर दिया ना, मैं तो खुश तासी काटवे करते हैं, वेरी नाइस हमारा, वाह जी वाह, रेनबो भी आ गई है ना, मैजिक यूनिकॉर्न है जी, गुलाब का फूल है हमारा ने भेजा, फूल भी हमारा ने बनाया भाई, हमारा का ज्यादा वक्त तो मुझे लगता है कलर्स के साथ गुजरता है ना, बिल्कुल। इरफान अली, आपने भूरे वाला से तस्वीरें भेजी हैं, भूरे वाला से बड़ी जबरदस्त तस्वीरें, गुड़ बन रहा है जी, भूरे वाला का गुड़ किस किस ने खाना है, आ जाए राइजिंग पाकिस्तान में, अरे वाह, और जिसकी खुशबू होगी आय हाय हाय, इस कड़ाई के अंदर से जो धुआं निकल रहा है, ये आई थिंक इख्तितामी मराहिल की जानिब गुड़ बनने का, एग्जैक्टली, और ये बन गया गुड़, वाह है ना जी, गुड़ इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, एब्सोल्युटली, तो ये बुरे वाला का गुड़ फिलहाल तस्वीरों पे गुजारा करें जी बिल्कुल। सैयद हैदर अली काजमी, आपने जो है बाटा चौक रावलपिंडी से तस्वीरें भेजी हैं, और बाटा चौक से आपने क्या तस्वीरें भेजी हैं अभी, ओए होए होए, ये लड़का कौन है भाई, तो बड़ा ये हैंडसम लड़का कौन है ये, मतलब चलो हैंडसम कर तुम्हारा बनता था हैंडसम कहना, मेरा तो खाली लड़का कहना बनता था, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ये किन्होंने भेजा जी, सैयद हैदर अली काजमी
काजमी साहब बहुत मेहरबानी, मैं इतना सोना हूँ नहीं जितना आपने बना दिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कुछ आपके पैगाम आते हैं उनके जाने बढ़ेंगे। नूरुल कौसर, आपने मर्दान से कहा अस्सलाम वालेकुम, तौसीक भाई और रिबेका आप ही, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत सी मालूमात हमें आपके शो से मिलती हैं, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जगह और नाम नहीं बताया, ना अपना नाम बताया ना जगह का नाम बताया, लेकिन आपने कहा राइजिंग पाकिस्तान शो बहुत अच्छा है। तौसीक भाई, अब आपके जो को होस्ट हैं वो भी आपकी तरह एनर्जी पकड़ते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन सर देखिए ना कि मतलब इन दोनों की उम्रें मिलाएं तो मेरी एक की उम्र बनती है, तो वो एनर्जी जो है ना वो उधर जब डिवाइड हुई तो वो डिवाइडेड बाय टू हो गई। मैथ्स का बुनियादी उसूल है, इतनी तो मैथ्स मुझे भी आती है ना, 52 को डिवाइडेड बाय टू करें तो 26 साढ़े 25 के दो निकलते हैं। तो वो डिवीजन में ना एनर्जी भी डिवाइड हो जाती है, लेकिन अब हमने उनको ज्वाइंट कर दिया और अब एनर्जी लेवल्स जो है वो ऐसे बूस्टर पकड़ रहे हैं। सुबह सुबह भूरे वाला का गुड़ आपको मिल रहा है, कभी स्वाद का मक्खन आ जाता है, फिर भी एनर्जी ना आए, है ना जी? तो वो बुरी बात है, तो लेकिन वो तौसीक की एनर्जी को मैच करना वैसे ही हमारे लिए जो है अच्छा जी चैलेंजिंग हो जाता है कि तौसीक जैसा अच्छा करना है। सदफ अशरफ, बहुत शुक्रिया ओकाड़ा से, आपने बहुत सी जो है दुआएं लिखकर भेजी हैं राइजिंग पाकिस्तान की टीम के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि राइजिंग पाकिस्तान का शो इसी तरह हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, चलता रहे, जी थैंक यू सो मच। मुदस्सर वसीम खान, आपने ज़िला झंग से जो है हमारा साथ दिया है और आपने कहा सर आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है आपका फीडबैक हम चाहते हैं कि हम आपको फीडबैक शेयर करें। इसी के अलावा अली, आप साथ देते हैं, आपने कहा प्लीज तौसीक भाई प्लीज एक्सरसाइज का सेगमेंट शुरू कर दें। बिल्कुल करते हैं, वो हमारा ट्रेनर काशिफ भाग गया, कभी ड्रामे उसको मिल गए, एक फिल्म वो कर रहा है, वो उधर से हमारा फैसल मूवी वाला चला गया, वो भी जनाब कराची में ड्रामे ड्रूमे, तो बस देखें भाग जाते हैं ये हमारे जो बच्चे ना। तो अब हम एक और जनाब ट्रेनर हमने ढूंढा है, ये राशिद जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने तो आने वाले कुछ दिनों में वो एक नए अंदाज से कुछ एक्सरसाइज का कुछ सीन बना रहे हैं, सो डोंट वरी एक्सरसाइज का सेगमेंट। लेकिन यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, राइजिंग पाकिस्तान का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका नाम भी राइजिंग पाकिस्तान, इत्तफाक देखें जरा, ये चेक करें टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है कि शो का नाम भी वही और यूट्यूब चैनल का नाम भी वही, इस पे आप जा सकते हैं। और पिछले 3 साल के हमारे बहुत से सेगमेंट्स पड़े हैं जिसमें ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना, उनके सेगमेंट्स हैं, आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। और यही तो मजा है टेक्नोलॉजी का, है ना जी, कि आपको लाइव शो के अलावा भी यूट्यूब पे सब चीजें देखने को मिल सकती। तो आई थिंक तौसी की जिंदगी आसान हो गई ना, कि अब आपको अगर आप लाइव शो मिस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लेजी हुए हैं, अर्ली मॉर्निंग नहीं जाग रहे, कुछ थोड़ा देर से जागना है, तो आप यूट्यूब पर या रिपीट जब शो होता है 4 बजे शाम को, तो उस वक्त भी आप देख सकते हैं और बहुत सी चीजें ले सकते हैं। एक और बड़ा जबरदस्त सा मैसेज है, लेकिन आपने नाम नहीं बताया, रिक्वेस्ट की है तौसीक से ही, क्योंकि रिक्वेस्ट का डिपार्टमेंट तौसीक के पास आता है, उन्होंने कहा प्लीज टॉम एंड जेरी जरूर लगाएं। वेरी गुड, जरा दोबारा बोले ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज हमारे प्रोड्यूसर्स तक आवाज पहुंचे, टॉम एंड जेरी जरूर लगाएं, टॉम एंड जेरी जरूर लगाएं। बिल्कुल, मैं टोटली आपसे एग्री करता हूं। नाम है इनका? इनका नाम नहीं बताया आपने, नाम ही नहीं बताया, चले कोई बात नहीं। टॉम एंड जेरी की बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि टॉम एंड जेरी को कहीं ना कहीं तड़का लगाएं, हो सकता है किसी दिन येलो सोफे पे लाइव उन्हें बुला लें, ये भी बस आइडिया बुरा नहीं है ना, कुछ सीन कुछ खोलने वाले हैं हम, है ना सर, वो कैसे कहते हैं कुछ इस हवाले से सोचे। बट थैंक यू वेरी मच, आप इस शो को इतना ज्यादा ऑन करते हैं, इसके आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, कि आप रिक्वेस्ट ना किया करें, आप हमें हुक्म दिया करें। बिल्कुल, और जनाब ये है राइजिंग पाकिस्तान और आपके पैगाम, इसी तरह आप हमारे व्हाट्सएप पर फीडबैक शेयर करते रहा करें, ना सिर्फ व्हाट्सएप पर बल्कि आप इंस्टाग्राम पर भी हमारा साथ देते हैं, फेसबुक के मैसेंजर में बहुत से मैसेजेस आते हैं, राइजिंग पाकिस्तान का जो पेज है उसके लिए बहुत शुक्रिया। अभी हम बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कैश है हमारे पास, कैश में कौन कौन इंटरेस्टेड है, और ये कैश क्या है, ये जनाब कैश है कुछ टिप्स की सूरत में जो कि काशिफ और दानिया हमें हमारी लेकर आ रहे हैं, जो कि डिजिटल वर्ल्ड में आप घर बैठे डिजिटल कॉमर्स के जरिए, इलेक्ट्रॉन ई कॉमर्स के जरिए आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, डिजिटल दुनिया क्या है, ये अब तो हम यूनिवर्स से मल्टीवर्स की जानिब जा रहे हैं, लेकिन दोनों गुरुज हैं अपनी फील्ड के, दोनों को हम एक साथ फीचर करने जा रहे हैं इस ब्रेक के बाद राइजिंग पाकिस्तान में, तो तैयार हो जाएं टिप्स लेने के लिए और कैश कमाने के लिए।